नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अंचल पे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर जाके सामने मौत जहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, तमिलनाडु के सीएम आज दिल्ली में लगाने वाले हैं विपक्ष का बड़ा जमावड़ा। बताएंगे आपको कितनी पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहेंगे मौजूद दोस्तों। इसी के साथ में जनता दल सेकुलर के एक और नेता ने छोड़ दिया अपनी पार्टी का दामन, कांग्रेस पार्टी में जल्द शामिल होंगे। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर कर्नाटका के दो बड़े दिग्गज नेता सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने मिशन कुमारस्वामी चलाया है दोस्तों। बताएंगे आपको किस नेता से की जा रही है बातचीत, और येदियुरप्पा ने मांगी 25 सीटें, बीजेपी ने कर दिया मना। क्या कर्नाटका बीजेपी में है जबरदस्त फूट, बताएंगे इसके बारे में भी अपडेट दोस्तों। वहीं पर गहलोत ने ओपीएस को लेकर बड़ा बयान देते हुए जनता से आह्वान किया है चुनाव को लेकर, बताएंगे क्या कुछ उन्होंने कहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक बयान दिया गया कि मेरी सुपारी दी गई है, जिस पर विपक्ष ने जोरदार तरीके से निशाना साधा है, और प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने डिग्री का मामला एक बार फिर से उछाला है। वहीं पर अखिलेश यादव का ऐलान, विपक्षी नेताओं के साथ लड़ेंगे चुनाव। बताएंगे दोस्तों किस किस के साथ में गठबंधन की बड़ी जानकारी उन्होंने दी है, और बिहार के अंदर नीतीश कुमार बीजेपी के बीच में एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार जारी है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर परिवर्तन दस्तक दे रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों, इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सोमवार को दिल्ली की एक सम्मेलन में अध्यक्षता करने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय इस सम्मेलन का नाम रखा गया है, जिसमें आगे की राह विषय पर चर्चा किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन 2022 में स्टालिन के द्वारा स्थापित अखिल भारतीय सामाजिक न्याय मंच द्वारा किया गया था। सम्मेलन में कई विपक्षी दलों के लोगों को आमंत्रित किया गया था दोस्तों डीएमके की ओर से। अब जो जानकारी दी गई है कि आज तकरीबन 20 पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे, यानी दोस्तों जबरदस्त विपक्षी नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि डीएमके के सूत्रों ने कहा है कि तकरीबन 20 राजनीतिक दलों को बुलाया गया है, जिसमें से कई सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रह सकते हैं। ये कार्यक्रम फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में होने वाला है दोस्तों। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना को आगे बढ़ाने की मांग की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी सहित अन्य राजनीतिक दल भी इस दौरान मौजूद रह सकती है। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर इन दिनों कर्नाटका के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए जबरदस्त राजनीतिक घमासान मचा हुआ है दोस्तों। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर में त्याग पत्र का भी मामला सामने आ रहा है। कर्नाटका के आर सीकरे विधानसभा क्षेत्र से जनता दल सेकुलर के नेता एम शिवलिंगे गौड़ा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनके कांग्रेस पार्टी में जाने को लेकर अंदेशा जाहिर किया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि कर्नाटका के हासन जिले के आर सी केरे से 3 बार के विधायक गौड़ा जेडीएस के नेतृत्व को लेकर काफी नाराज है। हाल ही के दिनों में उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर भी निशाना साधा था। हाल में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की और कदम बढ़ा सकते हैं, ऐसी संभावना है कि आगामी चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ में उनकी बातचीत हो गई है, जो जानकारी सामने आई है दोस्तों। तो कुल मिलाकर पहली बार कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त मजबूत दिखाई दे रही है। यहां तक कि कुमारस्वामी को भी जबरदस्त झटका देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का कोई प्लान छोड़ा नहीं है, और सभी को साथ में लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के अंदर ऑपरेशन कुमारस्वामी चल रहा है, यानी कुमारस्वामी को चुनाव हरवाने के लिए कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तैयारी कर रही है। जानकारी सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सीपी योगेश्वर ने डीके शिवकुमार और उनके भाई से मुलाकात की है, और दोनों भाइयों से योगेश्वर की मुलाकात लगातार जारी है, और ये चर्चाएं चल रही है कि जल्द डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2018 के अंदर जबरदस्त मुकाबला हुआ था दोस्तों। इस सीट पर एचडी कुमारस्वामी को 87,995 वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 66,465 वोट मिले थे, यानी बीजेपी के कैंडिडेट थे सीपी योगेश्वर जिनको इतने ज्यादा वोट मिला था, जबकि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर था दोस्तों। तो अगर सीपी योगेश्वर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, जो अभी एमएलसी है, तो कांग्रेस पार्टी को इस सीट पर काफी फायदा पहुंचने वाला है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर दोस्तों बीएस येदियुरप्पा ने क्या भारतीय जनता पार्टी से अपने लोगों के लिए 25 सीटें मांगी थी। इसके बाद जो जानकारी सामने आ रही है कि बीएस संतोष की टीम ने बीएस येदियुरप्पा के द्वारा मांगी जा रही 25 सीटों को लेकर डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है। उनके नजदीकी लोगों को जो टिकट देने की बातें चल रही थी, देखते हैं इस पर येदियुरप्पा की ओर से क्या कदम उठाया जाता है दोस्तों। वहीं पर मेरी सुपारी दी गई है, प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कपिल सिब्बल बोले, कहा नाम बताइए, ये स्टेट सीक्रेट का तो मैटर नहीं है। दरअसल दोस्तों कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इन लोगों ने मेरी सुपारी दे रखी है मुझे बदनाम करने के लिए, मेरी छवि धूमिल करने के लिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें उस व्यक्ति का नाम बताओ, क्या ये कोई संस्थान है, कोई व्यक्ति है या फिर कोई देश है जो ऐसी हरकतें कर रहा है, ये तो एक सीक्रेट नहीं होना चाहिए, सबको पता चलना
करना चाहिए कि कौन ऐसा कर रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी अब कर्नाटका के चुनाव नजदीक आते ही इस तरीके की बयानबाजी करने लगे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अशोक गहलोत बोले, कहा सरकार रिपीट नहीं हुई तो पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर देगी अगली सरकार। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर मुख्यमंत्री ने अंदेशा जाहिर करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी कर्मचारी अगर बीजेपी को वोट देंगे तो राज्य के अंदर पुरानी पेंशन स्कीम को बदल दिया जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मुद्दे पर अशोक गहलोत ने घेरा है दोस्तों, जिस पर बीजेपी ना हाँ कह पा रही है ना कह पा रही है। साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बीजेपी पर पलटवार, कहा प्रधानमंत्री के विचित्र डिग्री देखने का गौरव 140 करोड़ देशवासियों को होना चाहिए। दरअसल दोस्तों गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार 31 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया था। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी थी। इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणित पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर आम आदमी पार्टी की ओर से तंज कसा गया है। पूछा गया है कि क्यों हम प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं देख सकते। साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज भी बोले, कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन मोदी जी ने हमको बताया कि ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर, ये वो वाली बात है जो आप किसी से सुन लेते हैं और फिर बोलने की कोशिश करते हैं तो कुछ याद रहता है कुछ नहीं याद रहता। कोई भी शिक्षित व्यक्ति सोचता है ये कहां से पढ़कर आए हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से मुहिम चला रखी है। प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। वहीं पर अखिलेश यादव का ऐलान, कहा गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर ही लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और चुनाव के लिए लगातार बातचीत जारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को धोखा दिया है। नगरों में कूड़ा भरा पड़ा है, नालियों में गंदगी है, सफाई नहीं है। सफाई न होने से नगरों के अंदर बड़े पैमाने पर डेंगू फैला हुआ है, व्यापारी परेशान है। नगर निकाय चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। झूठ को सच दिखाने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, दवाइयों से लेकर खाने पीने सभी के दाम बढ़े हुए हैं। बढ़ती महंगाई से बीजेपी सरकार छुटकारा नहीं दिलवा पा रही है। बीजेपी सरकार महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए नए नए मुद्दे उत्पन्न करती है। 1 अप्रैल से दवाई के महंगे दाम होने को लेकर भी उन्होंने सवाल पूछा है दोस्तों। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट राजस्थान से आई है, जहां पर जयपुर के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने एक साथ मिलकर महापंचायत का आयोजन किया है। यानी चुनावी राज राजस्थान के अंदर लगातार गोलबंदी जारी है दोस्तों। जाट महापंचायत और बाद में ब्राह्मण महासभा के बाद अब जयपुर के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति की महापंचायत हुई है दोस्तों। इसमें बड़े बड़े मुद्दे उठाए गए हैं, हालांकि आयोजक इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में शहर के सिपरा पथ पुलिस थाने के सामने आवासन मंडल की खाली जमीन पर 11 बजे कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों। इसमें प्रदेश के कई दिग्गज लोग शामिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर अलग तरीके की गोलबंदी देखने को मिल रही है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाला बयान देने के लिए नारायण राणे को जेल भेजा गया था, लेकिन अब छोड़ दिया गया है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को शनिवार को महाराष्ट्र के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ भड़काऊ बयान से जुड़े मामले में अलीबाग कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस मामले पर जमकर आलोचना हो रही है और बीजेपी सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। साथ आपको बता दें कि सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे राहुल गांधी, सूरत कोर्ट में आज पेशी उनकी हो सकती है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में सोमवार यानी आज सूरत की एक कोर्ट में आने वाले हैं। यहां से आगे की कार्रवाई की जाएगी और याचिका दाखिल की जाएगी दोस्तों। देखते हैं कोर्ट क्या फैसले को बदलता है या नहीं बदलता है। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट हरियाणा से सामने आई है, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब ये सवाल पूछा गया कि बेरोजगारी के बारे में आपकी क्या राय है, जो नई भर्ती आई थी वो कब पूरी हो पाएगी, तो उन्होंने कहा कि एक जज है उसका माथा कुछ गड़बड़ है, उसे ठीक करेंगे। जिस पर राष्ट्रीय जनता दल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी वाले अब सीधे जजों को धमकाने लगे हैं। अमृतकाल वाली भाजपाई तानाशाही में न्यायपालिका को यही दिन देखना रह गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जज के माथे में कुछ गड़बड़ है, उसे ठीक करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता और चाचा शिवपाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राम राज्य के लिए बीजेपी का अंत जरूरी है। सपा के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि सत्य पर चलने वाले भगवान राम की विजय हो सकती है तो फिर अत्याचारी रावण का अंत ही होगा। जब अन्याय नहीं होगा तभी राम राज आएगा। यूपी की सरकार को लेकर चाचा शिवपाल की ओर से ये टिप्पणियां की गई है दोस्तों। साथ साथ राहुल गांधी बीजेपी के लिए गंभीर चुनौती है। शशि थरूर बोले, कहा उपहास उड़ाने के बाद टीम मोदी को समझ में आने लगा है कि राहुल गांधी कितना बड़ा चैलेंज है। दरअसल दोस्तों लोकसभा के सांसद शशि थरूर ने विपक्षी एकता की हालिया लहर का स्वागत करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी अन्य दलों के साथ मिलकर वास्तविक केंद्र बिंदु पर
पर आगे की ओर बढ़े, लेकिन यदि वह पार्टी नेतृत्व में होते तो इस बात के लिए सेखी भगाड़ने की बजाय छोटे दल को 2024 के आम चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन के संयोजक की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करते। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर है, जहां पर नीतीश कुमार की तस्वीर लगाकर मीडिया में पूछा जा रहा था सवाल, इधर उधर की बात न कर बता बिहार क्यों जला, जिस पर विनोद कापड़े ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इन लोगों में ना हिम्मत है और ना इनकी हैसियत है कि मोदी योगी या किसी बीजेपी मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाकर इस तरीके की भाषा लिख पाए। दरअसल दोस्तों बिहार के साथ साथ कई राज्यों के अंदर हिंसक झड़पें देखने को मिली थी, जिसमें गुजरात भी था दोस्तों, जहां पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाकर कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे, जिस पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।